मध्य प्रदेश के शिवपुरी की युवती का कोटा में अपहरण हुआ। इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। अपहरण की कहानी पूरी फर्जी साबित हुई है। युवती ने विदेश घूमने के लिए अपहरण की फर्जी कहानी रची। वह माता पिता से 30 लाख रुपए वसूलना चाह रही थी। कोटा पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो खुलासा हुआ कि युवती इंदौर में है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो लोगों को चिन्हित किया। दो लड़कों के साथ यह युवती इंदौर आई। पुलिस ने सागर के ब्रजेंद्र नाम के लड़के को उठाया है। यह लड़का सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। जब लड़के से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि अपहरण की कहानी फर्जी है और अपहरण के वीडियो और फोटो उसके घर पर ही खींचे गए हैं। इस आधार पर कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि बालिका वर्तमान में इंदौर में रह रही है और उसकी लोकेशन भी इंदौर की मिल रही है और पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के सहयोग से लगातार उसकी सर्चिंग कर रही है और जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा। वो भी इंदौर में ही है। जो बच्चा अभी पुलिस का सहयोग कर रहा है उसी के कमरे की रसोई के वो फोटोग्राफ्स। ये थाना विज्ञान कोटा शहर के थाने से पुलिस बल आया था राजस्थान से और एक उनका एक केस रजिस्टर्ड हुआ है आईपीसी सेक्शन 364A के तहत और उनके द्वारा यहाँ पर मदद मांगी गई थी। इन्होंने संपर्क किया गया था इंदौर पुलिस से तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की एक टीम को क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों को उनके साथ लगा दिया गया है। तो वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए हैं और उसमें उनको पूरी मदद की जा रही है। इंदौर से रहती हुई थी ये जैसा कि उनके द्वारा बताया गया था आईओ के द्वारा कि पहले कभी यहाँ हॉस्टल में रही थी कोचिंग करती थी तो इस संदर्भ में उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कोटा पुलिस यहाँ पर आई है। उनको सुरक्षार्थ या लोकल बल भी दे दिया गया है।